हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल मैन मेटेक हिंदी में। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, और आज की वीडियो जो है हमारी रेडमी कंपनी के ऊपर है, एमआई या सेमी जो भी कह लें। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि ये कंपनी जो है नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है। आई तो थी इंडिया में सिर्फ मोबाइल लेके, बट इसके एयर प्यूरीफायर भी आ चुके हैं मार्केट में, और पीछे रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि फ्रिज भी ला रहे हैं, जूते, टी शर्ट, स्मार्ट वॉच, बहुत सी चीजें लेके आ चुकी है। यहाँ तक कि ये वाटर प्यूरीफायर भी लेकर आ चुकी है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक चीज अनाउंस की है, ट्विटर हैंडल पे इनके आया है कि ये अब लैपटॉप लेके आ रहे हैं मार्केट में। इससे पहले इन्होंने टीवी लाया था, टीवी लाके बिल्कुल टीवी के मार्केट में तहलका मचा दिया था। ऐसा हो गया सीन की रेडमी जिस भी सेक्टर में जा रही है, कोई से भी ले लें, ये चाहे वो टीवी की सेक्टर ले लें, तो वहां के जो भी टीवी के मैन्युफैक्चरर या पहले से जो काम कर रहे थे उनको परेशानी हो जा रही है। क्योंकि रेडमी की खासियत रही है एमआई की कि इनका जो प्राइस होता है काफी अग्रेसिव होता है, प्लस जो इनकी क्वालिटी होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। यानी कि रेट होता है कम और क्वालिटी होती है काफी ज्यादा, आपको कम पैसे में बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर का झुकाव इनकी तरफ ज्यादा हो जाते हैं, और प्लस ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेच जाते हैं और कुछ कम मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये कमा जाते हैं। काम ही कम मार्जिन पे करते हैं, सारा खेल इनका क्वांटिटी के ऊपर होता है। लास्ट टाइम देख लीजिए, टीवी आया था, टीवी मिल नहीं रहा था, कई कई हफ्तों तक लोगों ने ट्राई किया, टीवी आउट ऑफ स्टॉक। वैसे इनका मोबाइल है, जब भी आता है कितना भी ट्राई करे फर्स्ट या सेकंड सेल में कोई ले ही नहीं पाता, आते के साथ ही आउट ऑफ स्टॉक। लोग वेट करते हैं, बैठे रहते हैं, काश ये मिल जाए। फर्स्ट या सेकंड सेल में तो मुश्किल ही नहीं होती, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ आपका लक अच्छा हो तो मे भी मिल जाए, बट ये काफी मुश्किल है। वैसे ही इनका जो लैपटॉप अब आ रहा है, टीवी में तो इन्होंने काफी धमाल किया, लेकिन जो इनका लैपटॉप इन्होंने अनाउंसमेंट किए, मुझे उम्मीद है उसकी प्राइस भी काफी ज्यादा अग्रेसिव होगी और उसके फीचर भी काफी अच्छे होंगे। आने वाले टाइम में ये डेल के लिए, एसर के लिए, लिनोवो के लिए, जितने भी ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली, बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है अगेन इन अगेन रेडमी कंपनी की तरफ से। इन्होंने कुछ लैपटॉप अनाउंस करे कि आएगा, कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि 4 या 6 मॉडल आएंगे, कुछ रूमर्स 2 मॉडल आएंगे, लेकिन यहाँ जहां तक मुझे लगता है, मेरी नॉलेज है, ये इस टाइप से लाएंगे कि लो बजट से लेके प्रीमियम बजट तक के लैपटॉप लाएंगे, यानी कि कम रेट में भी लोग अफोर्ड कर सके, हाई एंड में भी अफोर्ड कर सके। ये सेगमेंट के अकॉर्डिंग लाएंगे कि हर टाइप के कस्टमर उसे परचेज कर सके। तो हो सकता है कुछ जो न्यूज अभी निकल के ये ग्लोबल मार्केट में एमआई का रजिस्टर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 टाइप के कंप्यूटर है, लैपटॉप जो इनके हैं, ये एक्चुअली इनको बुक बोलते हैं, मैकबुक करके बोल रहे हैं कि ये हमारा नोटबुक या मैकबुक ऐसे कुछ आएगा। तो ये 2 टाइप के आएंगे, पहला जो होगा इसकी स्क्रीन होगी 12.5 इंच, ठीक है, विद ग्राफिक कार्ड्स के होगा, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी आएगा साथ में। दूसरा जो स्क्रीन होगा इससे 1 इंच बड़ा होगा, 13.5 इंच जो इसकी डिस्प्ले होगी, ये साइज होगी। तो ये दो वेरिएंट में लाएंगे, यानी 2 लैपटॉप हो जाएगा। अगर मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूं क्या है तो दिखा देता हूं मैं आपको। इसका जो फीचर्स है इसमें इन्होंने लिखा अल्ट्रा लाइट अल्ट्रा फुल मेटल बॉडी के साथ आएगा, इसकी बॉडी होगी फुल मेटल बॉडी होगी, प्लस 6th Gen Intel Core 5 प्रोसेसर यूज करेंगे, 6th Generation का इंटेल कोर 5 प्रोसेसर यूज करेंगे, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी होगा इसमें, फुल HD डिस्प्ले, अल्ट्रा थिंक बेजल होंगे, और इसकी जो बैटरी बैकअप है सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट ऑफ द थिंग होती है कि लोगों को बैटरी बैकअप की भी इशू होते हैं लैपटॉप में, कहते हैं 2 से 3 घंटे चलता है, बट इसमें जो बैटरी बैकअप है 9.5 घंटे का है, जो कि काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया चलता है। 9.5 घंटे बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट कई फोनों के होते हैं, बट इसमें 9.5 घंटा मिल रहा है लैपटॉप में, तो आप समझ सकते हैं कि रेडमी ने इसके ऊपर कितना काम किया होगा। बाकी अभी ये ग्लोबल मार्केट में रजिस्टर्ड है एमआई की वेबसाइट पे, हो ये कंफर्म है कि लैपटॉप आएगा। अब देखिए आपके इंडिया में क्या लॉन्च होता है, कई बार क्या होता है कि इंडिया से बाहर कुछ लॉन्च होता है, इंडिया में कुछ लॉन्च होता है, या जो इंडिया से बाहर लॉन्च हो जाता है इंडिया में वो लॉन्च होता है वो काफी लेट हो जाता है, यहाँ के लिए अपडेट पुरानी हो जाते हैं। तो जो ये दिखा रहे हैं पहले मेटल बॉडी दिखा रहे हैं बाहर की साइड है, ग्लोबल में, इंडिया में देखिए क्या लॉन्च होता है।
और जिसमें सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो इसकी रैम होगी वो 4 GB और 8 GB वेरिएंट में यूज होगा, और इसमें जो होगा 4 GB SSD, जो इसकी SSD कार्ड होगा वो होगा 256 GB का होगा SSD कार्ड, यानी कि उन्होंने कुल बिल्कुल आईफोन की तरह SSD कार्ड यूज कर रहे हैं। और वही जो इसकी डिस्प्ले की मैंने बात की अभी, जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो 12.5 इंच का है MI लैपटॉप एयर की, और जो इसका वेट रहेगा 1.7 kg वेट है, और जो इसकी थिकनेस है 12.9 mm थिकनेस है। वही इसका दूसरा जो लैपटॉप है वो है 13.3 इंच का, यानी कि वही 13.5 इंच का MI लैपटॉप एयर, और इसका वेट भी है 1.28 kg का होगा, और जो इसकी थिकनेस होगी मोटाई होगी वो 14.8 mm की होगी। और इसमें अगेन इसमें आगे अगर चलते हैं हम तो बहुत सारे फीचर है, इसी वही 6th जनरेशन के साथ आएगा, DDR5 6th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ i5 के साथ आएगा, जो कि 2.7 GHz पे डिपेंडेंट होगा, और फुल मेटल बॉडी होगी, और जो इसका रेजुलेशन साइज होगा वो 1920x1080 पिक्सल होगा, यानी फुल HD स्क्रीन के साथ ही आएगा। और ये काफी ज्यादा डिजाइन इसका देखने में प्रीमियम है, क्वालिटी काफी अच्छी है, तो उम्मीद है इंडिया में आते ही ये छा जाएगा और लोगों को काफी पसंद आएगा। ये नॉर्मल लैपटॉप से पतले होंगे, थीन होंगे, जैसे कि ये कह रहे हैं काफी ज्यादा पतले होंगे बल्कि नहीं होंगे, और स्टाइलिश तो बहुत ही ज्यादा होंगे। आई होप ये फर्स्ट या सेकंड सेल में मिल जाए लोगों को, जिनको मिलेगा उनके लिए बल्ले बल्ले, जिनको नहीं मिलेगा उनके लिए तो भाई क्या करें, किसी और सेल में ले लेना। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अब देखते हैं रेडमी और आगे क्या क्या लाता है। और अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।